आज हम लोग क्लास 12 का जो मैथ है हम लोग का, जिसमें हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 के मैथ का। उसमें पिछले लेक्चर में हम लोग बना रहे थे जो कि एक क्वेश्चन था तुम्हारा, जो कि 12.1 जो एक्सरसाइज में एग्जांपल में दिया हुआ था, दैट इज 12.4 परहैप्स नंबर 12.4 में तुमको एक जो ग्राफ एक पॉइंट गलत लिख दिए थे, जिसके कारण कि तुमको उसका जो ग्राफ गलत आ रहा था, जिस कारण कि रीजन उसमें रॉन्ग हो रहा था, जो कि सबसे लास्ट में पिछला लेक्चर में बता रहे थे, उसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी एग्जांपल 12.4 है तुम्हारा, इसको फिर से देख लेते हैं। उसमें एक पॉइंट गलत लिखने के कारण ग्राफ उसमें गलत प्लॉट हो रहा था, तो इस कारण से जो समस्या आ रहा था उसको अभी देख लेते हैं। तो उसमें है कुछ जो इक्वेशंस दिए हुए कंडीशन, उसको पहले दिया हुआ, फिर 12.1 का उसका 12.2 का भी जो तुम्हारा है एग्जांपल, उसको हम लोग देखेंगे। तो 12.1 में कुछ जो ग्राफ दिए हुए हैं, कुछ कंडीशंस क्या क्या है, इक्वेशंस क्या क्या है बोलो। 2x - y > -5, तो रुको इसका ग्राफ प्लॉट ही करते जाते हैं। तो 2x - y > -5, तो x में ये कितना 2x - y है, तो x में ये होगा तुमको -5 है ये, तो x में -5/2 आएगा, x में -5/2 और y में 0.5 आ जाएगा, है ना। तो x में तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा -0.5/2, यहाँ से जाएगा -5/2, 0, और दूसरा हो गया तुमको 0.5, यहाँ से मान लेते हैं ये 0.5 यहाँ से आइए, तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे इस पॉइंट को, ये ओरिजिन होगा हमारा 0.0 होगा, ये 0.0 हो गया। तो ये तुम्हारा ये दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो ये हमारा ये ग्राफ हो जाएगा। और दूसरी यहाँ जिसमें जो रीजन देखेंगे, जहाँ तक कि 0.0 इसको सेटिस्फाई करके देखेंगे, या तो इसको लिख देते हैं, इक्वेशन क्या है तुम्हारा 2x - y = -5 का हो गया ग्राफ, 2x - y = -5, तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया इसका। अब अगला ग्राफ होगा तुम्हारा, अगला जो है तुम्हारा दैट इज क्या है तुम्हारा, अगला एक और ग्राफ देखते हैं, उसके बाद इसमें देख लेंगे। यहाँ पर अगर सेटिस्फाई जहाँ तक देखें 0.0 > -5, ये सही होगा, इसका मतलब इसके कारण अगर देखें तो इसके कारण कौन सा रीजन बाउंडेड होगा, 0.0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए इधर वाला रीजन, ये पूरा रीजन नीचे का एरिया ये बाउंडेड होगा, नीचे का रीजन सारा, और ये तुमको जाए फर्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो ये वाला रीजन तो नहीं आएगा, यहाँ से आएगा तुम्हारा। चलिए सर, पहला का तो हो गया, दूसरा 3x + y > 3, तो x में तो 1.0 हो गया, x में अगर यहाँ y में 0 रखें तो x के लिए 1.0 आ गया, 1.0 और 0.3, 1.0 तो 1.0 यहाँ पर मान लें, लगभग अंदाज से यहाँ पर मान सकते हैं, ग्राफ पेपर पे तुम लोग प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा, और ये 0.3 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा यहाँ पर मान लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर दे दो, चलो 0.5 से डाउन ही रहेगा, 0.5 से कम रहेगा, 0.3 यहाँ पर आप मान सकते हैं, 0.3 और ये 1.0, तो ये लगभग ये पॉइंट तुम्हारा आ गया, इसका हो गया इक्वेशन 3x + y = 3, यही हो गया। और इसमें क्या है तुमको, ये ग्रेटर देन है तुम्हारा चिन्ह, तो 0 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये तो रॉन्ग हो गया, तो इसके लिए किधर का रीजन होगा तुम्हारा, इसके लिए जो रीजन आने वाला है इससे बाहर की ओर, ये तुमको इस साइड का रीजन आएगा, इससे लेफ्ट साइड मतलब इससे नीचे की ओर और इससे बाहर की ओर का रीजन आया। चलिए तीसरा ग्राफ, तीसरा लाइन क्या है, < 12, तो x तो हो गया 6.0, x में 6 आ जाएगा और y में 0-4, इसी पॉइंट के कारण पिछला जो ग्राफ जो गलत लिखा जो ड्रा हो गया था उसमें 0.4 कर रहे थे, वहां पे 0-4 हमें करना चाहिए था, यही रॉन्ग था पिछला लेक्चर में, जो पिछला वीडियो देखा होगा उसमें यही पॉइंट में रॉन्ग कर रहे थे थोड़ा, इसलिए गलत हो रहा था। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर ये 6.0 तुम्हारा मान लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट 6.0 और एक होगा तुमको 0-4, जाहिर है कि ये इधर की ओर आएगा, तो 0-4 जब यहाँ आएगा इधर की ओर, 0-4 तो 6.0 और 0-4, तो ये तुमको इस ढंग से प्लॉटिंग होगा इसका,
60 और ये 04 कर रहे थे, पिछला ग्राफ में ये दिक्कत करते, इसको 04 चले रहे थे और इसीलिए तुम्हारा ग्राफ जो है रॉन्ग आ रहा था। तो ये 060 तुम्हारा हो गया। इतने इस लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा देंगे, 60 का तुम्हारा आ जाएगा, एक 60 है, एक दूसरा ग्राफ तो हाँ एक 60 ही ना है ये, तो 60 का ये लाइन तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही लाइन आगे यहाँ बढ़ गया। तो इस लाइन का नाम क्या हो गया तुम्हारा, इस क्वेश्चन क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 12। तो ये देखते हैं ओरिजिन इसमें रख के देखते हैं, इक्वल टू 12 का एक ग्राफ हुआ, तो इसमें 0 0 रख देंगे तो क्या होगा, इक्वल 12 से क्या होगा तुम्हारा छोटा, तो ये तुम्हारा 0 0 सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब हुआ अब सबके और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो रीजन रहता ही हमेशा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो हमारा जो अब का देख लेते हैं इन सारे कंडीशन से, तो फर्स्ट जो लाइन था इसके लिए तुमको इससे नीचे की ओर रहना है और इसमें ओरिजिन के क्या रहना है, तुमको ओरिजिन के तरफ इसमें जाना है, इसमें 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसका, तो इसमें ओरिजिन के साइड जाना है, और इसमें जो है तुमको इससे ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई नहीं करता, इससे बाहर। तो ये कौन सा रीजन बाउंडेड हुआ, ये देखो तुम्हारा रीजन जो बाउंडेड हो रहा है तुम्हारा, ये रीजन तुमको ये रीजन बाउंड हो ही नहीं पाया, इनफैक्ट ये तुम्हारा ये जो रीजन है ये सब तुम्हारा आया, ये इससे नीचे रहा, इससे तुमको क्या रहना है, हमको इससे राइट रहना है, और इससे तुमको जो है ये जो लाइन है इसके जो है तुमको इससे ऊपर रहना है। तो ये तुम्हारा ये लाइन हो गया तुम्हारा, तो ये जो रीजन है तुम्हारा इसमें चार जो है ये तुमको क्या हुआ तुम्हारा, ये रीजन बाउंडेड नहीं हो पाया, ये रीजन हमारा क्या हुआ बाउंडेड नहीं हुआ। और हमारा कॉर्नर पॉइंट कौन आया तुम्हारा, ये तुमको आ गया 101 आ गया, एक कहाँ आ गया हमारा, ये 60 आ रहा है यहाँ पर, और एक हो गया 03 और 05, ये चार हुआ, लेकिन ये नॉन बाउंडेड रीजन रहा। तो ये नया टाइप का तुम्हारा नॉन बाउंडेड, ये हो गया नॉन बाउंडेड, ये कोई भी रीजन बाउंड नहीं हो पाया, जो क्लोज किए हम लोग नॉन बाउंडेड हो गया ये। तो नॉन बाउंडेड के लिए क्या करना होगा, इसमें कॉर्नर पॉइंट तो चार है ही, तो वहां पर हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालना, तो मिनिमम हम लोग निकालेंगे, मिनिमम निकालते हैं हम लोग। तो चार कॉर्नर पॉइंट कौन कौन आया, नॉन बाउंडेड रीजन आया पहला बात, ये सबसे अलग आया अभी तक का, ये नॉन बाउंडेड रीजन आ गया तुम्हारा, ये पहला नोटिसेबल ये पॉइंट हो गया। और उसमें तुमको जेड इक्वल टू क्या है तुम्हारा, जेड इक्वल टू -50x +20y। तो इसमें जो चार कॉर्नर पॉइंट है उस पर हम लोग निकालेंगे, तो 05 पर निकालते हैं, चार पॉइंट में तुमको एक है तुमको मिनिमम जेड एट 05 कितना आ जाएगा, 100, 20 × 5 है ना 100, जेड एट 03 दैट इज 60 आ गया, जेड एट 10 -50 हो गया, जेड एट 60 -300। तो मिनिमम होगा जेड -300 इस कंडीशन में, ये निकाल दिए चारों कॉर्नर पॉइंट आ गया, इस पर -300। अब हमको ये देखना पड़ेगा नॉन बाउंडेड रीजन, अगर बाउंडेड होता तो ये मेरा आंसर हो जाता, ये बाउंडेड अगर होता तो ये -300 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये मतलब -300 आंसर अब हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। यहां पर नॉन बाउंडेड में ये होगा कि ये तो हम लोग इसको कि होगा या नहीं होगा इसके लिए क्या देखते हैं हम लोग, जेड का जो वैल्यू है हमारा तुम्हारा, जेड का वैल्यू था -50x +20y और लेस देन इक्वल टू -300, इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये देखेंगे ये इसका मतलब ये इससे 300 से कम, मतलब नॉन बाउंडेड रीजन में क्या कीजिएगा इसका, इस पर ग्राफ प्लॉट करना है, किस पर किस पर, ये तुमको -50x +20y लेस देन इक्वल टू कितना का -300। तो एक पॉइंट ये 60 से जाएगा ही आपका, ये जो पॉइंट जिस पर हमारा मिनिमम आया है उस पर, उससे तो ये क्या करेगा क्रॉस करेगा, उससे क्रॉस करेगा और दूसरा एक पॉइंट कहां जाएगा, देखिए एक तो एक्स का वैल्यू जब वाई को 0 करें 6 आ गया और जबकि एक्स को 0 करें कितना आ जाएगा हमारा 20, मतलब कि -15 -15 तुमको यहां नीचे जाएगा इस रंग से -15 तुम्हारा होगा ये लाइन, मतलब कि ये कितना पॉइंट है हमारा 0 -4 ना है, इससे नीचे बहुत नीचे जाएगा ये 0 15 यहां कह सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा जो ग्राफ प्लॉट होगा 0 15 बहुत नीचे जाएगा ना, तो मान लेते यहां पर हुआ
और एक सिक्स जीरो है, सिक्स जीरो मेरा कहाँ है, यहाँ पर है सर, और यही वाला है पॉइंट। तो सिक्स जीरो इसको मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे जैसे नीचे से ऐसे करके सिक्स जीरो, तो ये तुम्हारा किधर भाग रहा है, देखो ये जो पॉइंट है ये इस रीजन में ही घुस जाएगा, लाइन ये रीजन में घुस गया, लाइन है नॉन बाउंडेड रीजन में चला गया। अब लेस देन वाला एरिया किधर होगा, अब लेस देन वाला एरिया ओरिजिन क्या रहा, जीरो जीरो लेस देन इक्वल टू माइनस 300, तो ये तो गलत है इसे, लेकिन गलत है तो उल्टा रंग आएगा, तो ये तो जाहिर है कि ये नॉन बाउंडेड रीजन में से इसका इधर वाला जो एरिया ये तो कॉमन हो गया इसका, तो अगर इसमें एरिया कॉमन हो गया दोनों इस दोनों में, तो इस ये जो आया माइनस 50x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू माइनस 300 में कुछ एरिया इसमें कॉमन आया, इसमें कॉमन आ गया इस रीजन में, क्योंकि ये 20 से कटते चला गया, तो अगर ये 20 से कटते चला गया तो इसका मतलब है कि ये तुमको इसका क्या हो गया कॉमन रीजन, कॉमन रीजन, कॉमन रीजन फॉर जेड लेस देन इक्वल टू माइनस 300 एंड नॉन बॉन्डेड, एंड नॉन बॉन्डेड रीजन, नॉन बॉन्डेड रीजन मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि माइनस 300 इस कंडीशन के अंदर माइनस 300 से छोटा भी संभव है, मतलब माइनस 300 लेस देन इक्वल टू माइनस 300 का और भी जगह पॉइंट है जहां पर क्या है माइनस 300 से कम भी पॉसिबल है, अगर उसके बाहर से नहीं मतलब ये ऐसा अगर होता कि ये इसके ये जो है तुम्हारा नॉन बाउंडेड रीजन के बाहर से चला जाता मेरा ग्राफ, नॉन बाउंडेड रीजन को टच करते हुए इधर से निकल जाता, अगर ऐसा होगा तब माइनस 300 पर मिनिमम क्या जाएगा हमारा हो जाएगा, मतलब ये देखिए कॉमन सेंस की बात है कि ये क्या हुआ, ये जो तुम्हारा जैसे कि यहां पर अभी एरिया जो आपने क्लॉट किया, जैसे कि इसको अगर हम कहें, अगर ये ग्राफ कुछ इस ढंग से होता, जैसे कि यहां पर हमारा नॉन बाउंडेड रीजन ये था, अभी था हमारा इस ढंग से नॉन बाउंडेड रीजन आया हुआ था हमारा ये 10 और ये कहा था तुम्हारा एक मतलब 0503 ऐसा करके आया हुआ हमारा, और एक है तुम्हारा यहां से गया हुआ है और एक 6 से गया हुआ है यहां पर, तो ये जो तुम्हारा है हमारा जो ग्राफ हुआ है ये जो तुमको इस ढंग से क्या आएगा हमारा जो नॉन बाउंडेड ये जो रीजन यही था ना हमारा यहां से ये तुम्हारा क्या था ये जो लाइन आया हुआ था इसके ऊपर, तो ये जो तुमको यहां पर जो जेड का जो वैल्यू आया है ये इसमें क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब माइनस 300 में और भी इस कंडीशन में और भी पॉइंट है जहां पर माइनस 300 छोटा भी पॉसिबल है, तो माइनस 300 कैसे पॉसिबल होगा आपका, मतलब कि ये हुआ कि कॉर्नर पॉइंट पे कब होता जब क्लोज होता तो कॉर्नर पॉइंट पे ही मिनिमम हमें मिलेगा, लेकिन यहां पर हम जब देख रहे हैं तो कुछ कॉमन रीजन आपको आ गए जेड लेस देन इक्वल टू तीन माइनस 300 पर, और इसलिए क्या होगा इसमें नो कॉमन मतलब कि नो मिनिमम वैल्यू इज पॉसिबल, कॉमन रीजन हो गया इसका मतलब नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन इस कंडीशन के अंदर जेड का मिनिमम वैल्यू नहीं, अगर कॉमन रीजन नहीं होता तो क्या हो जाता ऐसा हो जाएगा। दूसरा जैसे कि इसी में अगर कहना क्या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, तो मैक्सिमम इसमें किस पे आया है सबसे अधिक किस पे आया है इसमें 05 पे कितना आया 100, तो 05 पर तो अब हम लोग वहां पर देखते हैं कि माइनस कितना है तुम्हारा माइनस 50x प्लस 20y और ग्रेटर देन इक्वल टू 100 माइनस 50x प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करके देखते हैं, तो माइनस 50x प्लस 20y अगर करके देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये तुम्हारा तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। अब जैसे कि मैक्सिमम निकालना तो क्या होता 05 पर तो जाएगा ही, और एक दूसरा पॉइंट क्या होता माइनस 50x प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, एक तो 05 हो गया और एक हो गया माइनस 20 माइनस 50x है तो माइनस 20, तो माइनस 20 कहां पर होगा ये माइनस 20 और 05 ये लगता है कि माइनस 20 रीजन से बाहर जा रहा है, देखो ये बाहर रीजन क्या ग्रेटर देन ना इससे बड़ा ना करेंगे हम लोग, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ये क्या गलत हो गया ओरिजिन के विपरीत जाएगा, देखो तुम्हारा ये जो ग्राफ जा रहा है ना ये तुमको ओरिजिन से रीजन से बाहर भाग रहा है, देखो ये रीजन से तुम्हारा क्या जाएगा ये बाहर जाएगा, ये तुम्हारा ये क्या है ये पॉइंट है माइनस 5/20 ना, तो ये यहां पर आएगा तुम्हारा माइनस 20 था जरा तो यहां पर आ गया करीब, और एक तुम्हारा कहां है 0 05 दैट इज ये हो गया तुमको ये कितना का पॉइंट है ये 05 है ना हाँ ये 05 ही है, तो ये तुम्हारा ऐसे का ग्राफ निकलेगा ये ग्राफ ऐसे भागेगा है ना, और इसको जब 100 से ज्यादा करोगे तो ये रीजन इधर वाला भागेगा इधर रंगने कहेगा,
देखिए आपका कॉमन रीजन में गया ही नहीं, इधर नहीं गया। तो इसका अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ रहा था तो हमारा 100 हो जाता अभी इस ग्राफ में। मतलब मिनिमम में दिक्कत यह होगा कि मिनिमम में इस रीजन से इवला लाइन क्रॉस कर गया, ये रीजन जो बॉन्ड की है, इसलिए मिनिमम नहीं हो पाया। लेकिन मैक्सिमम का अगर ये पूछेगा अभी, तो ये देखो इस साइड तुम्हारा क्लोज नहीं करेंगे तो ये कॉमन रीजन में क्या नहीं होगा, ये नहीं जाएगा। मतलब उससे ज्यादा ग्रेटर संभव क्या नहीं है उस रीजन में, नहीं है। मैंने 100 से ग्रेटर उस रीजन में कोई पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये तुम्हारा हो जाएगा। तो नॉन बाउंडेड रीजन के लिए क्या नया सीखा, नॉन बाउंडेड रीजन के लिए क्या हुआ इसमें नया कि तुमको, और नॉन बाउंडेड रीजन वाला ही बचा हुआ था, बाकी तो बाउंडेड रीजन का पिछला लेक्चर में क्लियर हो ही गया था। नॉन बाउंडेड रीजन में ये आया तुम्हारा, जो पिछला लेक्चर में दिक्कत क्या था कि एक नॉन बाउंडेड रीजन ही नहीं आया था, ग्राफ जो किताब से नहीं मिल रहा था इसलिए उसको बीच में ही क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जो कि बोल सकते नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना। तो ये तुम्हारा उसमें ये हुआ कि ये पॉइंट जब ड्रॉ हुआ तो सबका जैसे कंडीशन, ये नॉन बाउंडेड रीजन आ गया सारा कंडीशन के अंतर्गत, जो कॉर्नर पॉइंट आया उस पर आप मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। तो मिनिमम वैल्यू आपका आया -300 आ गया। अब उसमें जेड जो वैल्यू है, दैट इज हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है -20x + 50y, जो भी इक्वेशन है <= -300 का ग्राफ प्लॉट कीजिए। और अगर वह रीजन जो हमारा जो शेडेड रीजन है उस रीजन में वो अगर कॉमन एरिया आ जाता है, जो -50x + 20y = -300 का ग्राफ अगर कॉमन रीजन आ जाता है तो वो उसमें पॉसिबल नहीं होगा, इस कंडीशन के अंदर नो मिनिमम वैल्यू। लेकिन यही चीज अगर उसका मैक्सिमम पूछा होता तो मैक्सिमम जो 100 आया है तो उसका जब ग्राफ मैक्सिमम का ड्रॉ करते हैं तो वो रीजन से बाहर जाता है, इसका मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होता था, 100 पॉसिबल होता, जो क्वेश्चन नहीं है हमारा जो कि एक बताए। लेकिन मिनिमम वैल्यू जो अगर पूछा जाता वो पॉसिबल नहीं होगा इस कंडीशन के अंदर। तो ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है मतलब एक एग्जांपल इसका, बाकी जो है बाउंडेड रीजन वाला तो काफी कर चुके हैं, और हम लोग देखते हैं जैसे 12.2 में है तुम्हारा। अब 12.2 के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि हम लोग का दिया हुआ है कुछ लैंग्वेज करके क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, और उससे हम लोग को क्या बनाना था, इक्वेशन बनाना होता है। तो उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जैसे दिया हुआ रहेगा कि तुमको कुछ जैसे टेबल है, कुर्सी है, उसका क्या होगा, तो उसको किसी को एक को एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान के उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर उसका इक्वेशन हम लोग फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उसके आधार पर फिर उसको ग्राफ प्लॉट करके उसका हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे तुम्हारा दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्या है तुम्हारा, तो उसमें जैसे कि विटामिन ए और विटामिन सी, इन सबों का दो डाइट दिया हुआ है, दो प्रकार का डाइट है, दोनों डाइट का क्या करना है हमको, दोनों डाइट से का यूज करके विटामिन ए और विटामिन सी का कुछ एक मिनिमम कैपेसिटी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो कितना नंबर एग्जाम्पल है ये, 12.6। तो जैसे क्या है, विटामिन ए कितना चाहिए कम से कम, मिनिमम दो तरह का मतलब कि फूड आइटम है हमारे पास, जिसमें कि तुमको कुछ में एक में मिलता है कि 1 kg में कितना विटामिन ए का कितना यूनिट मिलता है, 8 यूनिट मिलता है फर्स्ट टाइप का जो फूड आइटम है, और दूसरा टाइप में सी का मिलता है। तो इसी ढंग से उसमें इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे, तो इक्वेशन बना लेंगे तो उसका तुमको, तो फर्स्ट टाइप फूड आइटम का नाम ए भी है, क्या नाम है, एक्स वाई, फूड आइटम का नाम नहीं दिया कुछ, 1, 2। अच्छा, तो फूड आइटम 1 का मान लेते हैं एक्स के जी परचेज करते हैं, तो इसका इक्वेशन देखो बनाते हैं। दो फूड आइटम आदमी को खरीदना है, लेकिन उसके पास विटामिन ए का इतना मात्रा मिलेगा, इतना क्वांटिटी मिलेगा, यूनिट मिलेगा हमको फर्स्ट आइटम से, विटामिन सी का मिलेगा, तो मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग कर लेंगे। NCERT एग्जाम्पल 12.56। अच्छा, 12.6 है, तो इसमें है तुमको दो तरह का फूड आइटम हम लोग लेना है, लेट एक्स के जी ऑफ लेट एक्स के जी ऑफ फर्स्ट फूड आइटम, फर्स्ट फूड, एंड वाई के जी ऑफ सेकेंड फूड बी परचेज्ड। इसको परचेज किया गया, एक्स के जी इसका, वाई के जी उसका, ठीक है। तो इसके क्या होगा अब, तो इससे तुमको जैसे फर्स्ट फूड में कितना विटामिन ए मिलता है, वे 1 kg में,
विटामिन ए का कितना क्वांटिटी है और कम से कम विटामिन ए का कितना क्वांटिटी होना चाहिए। डाटा देखो सब, फर्स्ट फूड में कितना विटामिन ए है, 50 यूनिट। नहीं वो तो जेड में काम आएगा ना, वो तो बाद में आएगा। तो जेड इक्वल टू तुम्हारा हो गया 50x, कितना हो गया 50 पर एक, इसका 50 रुपये ये है और तो x केजी खरीदे तो जेड हो गया 50x प्लस कितना है 20y, हाँ 70y। मतलब 1 kg जो फर्स्ट फूड आइटम खरीदने में तुम आपको कितना खर्चा है तुमको 50 रुपया, तो 50 × x हो गया तुमको पूरा, तो इतना आपको खर्च हो। इस खर्च को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसका क्या निकालना है हमको, इसका जेड का मिनिमम वैल्यू, इसका क्या निकालना है हमको, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, ये तुमको निकालना, मिनिमम निकालना, ध्यान रहे। अब कंडीशन बोलो, जैसे विटामिन ए का कितना फर्स्ट नथी में आइटम में, 8 यूनिट फर्स्ट आइटम है, तो एक केजी में, तो एक्स केजी में कितना हो गया 8x, और उसी विटामिन ए का देखो दूसरा आइटम फूड आइटम में कितना विटामिन ए है, विटामिन ए दूसरा वाला में 2 यूनिट, विटामिन ए का 2 यूनिट, हाँ 1 वही गलत बोल दिया, 2x हो गया, तो 2x प्लस y हो गया, और कम से कम कितना होना चाहिए इसका 8 यूनिट, 8 होना चाहिए, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। अच्छा विटामिन सी में आते हैं, ये विटामिन ए का कंडीशन हुआ, ये किसके लिए कंडीशन हो गया, ये विटामिन ए का हुआ इक्वेशन। देखो फर्स्ट आइटम में, फर्स्ट जो एक 1 kg में आपको मिलता है 2 यूनिट मिलता है, तो एक्स केजी में कितना मिल गया, तो 2x मिल गया, और ये तुमको दूसरा में मिलता है 1 यूनिट मिलता है, तो वाई के जी वाई यूनिट मिला, तो टोटल विटामिन ए 2x प्लस वाई हो गया, और ये कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए, तो इसके आधार पर एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब हाँ तो वाई तो लिखे 2x प्लस y होगा, हम विटामिन सी पहला में 1 यूनिट, तो x हो गया, और दूसरा में 2 यूनिट, और कम से कम कितना चाहिए 10 यूनिट चाहिए, तो ये हो गया तुम्हारा। और जेड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y क्या होगा तुम्हारा ग्रेटर कॉस्ट 0 होगा, और इसको खरीदने में जो कॉस्ट होता है सबसे कम होना चाहिए, तो कॉस्ट को आपका जेड वाला एक केजी फर्स्ट आइटम खरीदेगा 50x हो गया, मैंने 1 kg का 50 रुपया, तो 50x। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करना है, अब हमको ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसका जो है वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तुम्हारा तो जैसे कि अब इसमें ग्राफ आई थिंक प्लॉट तो कर ही लेगा, या नहीं तो तुम्हारा कहते हैं ग्राफ प्लॉट कर देगा, तो ये काफी आसान भी है, दोनों में ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर ही है, दोनों में लेस देन भी है, दोनों ग्रेटर देन है, तो बाउंड्री रीजन आ जाएगा। और कोई थी है, हाँ ओपन है, ओपन ही आ जाएगा, तो इसमें नॉन बाउंड्री रीजन आएगा इसमें भी, हाँ ठीक है, तो नॉन बाउंड्री का जैसा अभी बता रहे थे तो तुम अभी वीडियो में बताया ही बना लेगा रीजन, अब कोई भी बॉन्ड होगा तो आई थिंक इक्वेशन बनाने के लिए बता दिए। दूसरा तरीका का था तुम्हारा, दूसरा में क्या था, किस तरह का है तुमको दिया हुआ, उसमें कौन बोला है तुमको, हाँ तो उसमें क्या 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 मतलब देना है, उसमें जैसे कि तुम्हारा देना था एक तो देता है तुमको उसका जो यूनिट है उसी ढंग से उसमें भी निकाल करके एक्स वाई मान करके उसका क्या कर लेगा, इक्वेशन बनाएगा और इस तरह से उसको सॉल्व करेगा। तो इसमें नया बात यही है कि जो तुम्हारा दिया हुआ है बुक में भी तुमको दिया हुआ है, तो एक्स वाई लेकर के बना करके उसके बाद ग्राफ प्लॉट करके उसका जो है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये सब बना देगा। तो ये इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, आई होप कि जो दिक्कत होगा राइटफुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो।